खरवार लोक सेवक संघ गुमला के तत्वावधान में गुमला जिला के खरवार समाज की एक आवश्यक बैठक सह सम्मेलन बेलगांव गुमला के आम बगीचा में संपन्न हुई। आज के बैठक के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त डीएसपी महावीर सिंह खरवार, अध्यक्ष खरवार लोक सेवक संघ झारखंड, विशिष्ट अतिथि श्री अरविंद कुमार सिंह, सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख भवन निर्माण विभाग झारखंड सरकार, अध्यक्ष खरवार आदिवासी एकता संघ झारखंड के अलावे श्री चंद्रपाल सिंह अध्यक्ष सिमडेगा जिला, देवनाथ सिंह अध्यक्ष खूंटी जिला, भैरव सिंह खरवार केंद्रीय उपाध्यक्ष खरवार आदिवासी एकता संघ झारखंड, बजरंग सिंह खरवार, सीताराम खेरवार मुख्य रूप से उपस्थित हुए। कार्यक्रम में उपस्थित समाज के लोगों को संबोधित करते हुए समाज को एकजुट रहने की सलाह दी, साथ ही उनके द्वारा बच्चों के शिक्षा पर जोर दिया। शिक्षित समाज ही विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है। समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने, अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहने पर बल दिया। सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख, अध्यक्ष खरवार आदिवासी एकता संघ, आज गुमला जिला का जिला कमेटी का गठन होना था, जो कि आज बहुत ही सफलीभूत रहा, बहुत ही सक्सेस रहा। जो हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है, 7-8 जनवरी के जो रांची में वन भवन में कार्यक्रम हुआ था, उसमें निर्णय लिया गया था कि हम लोगों को संगठन का विस्तार करना है, प्रत्येक जिला लेवल पर करना है, और जिला लेवल के बाद हम लोगों को ग्रामीण लेवल पर करना है, पंचायत लेवल पर करना है। अभी हम लोगों का लगभग सभी जिला का हो चुका है, साहेबगंज जग के पलमू और ये सब हो चुका है, और चतरा जिला का होना है 5 अप्रैल को, और ये कार्यक्रम हम लोगों का 2 महीने के अंदर हम लोगों का ग्राम लेवल का इसको पूर्ण करना है। और इसका उद्देश्य हम लोगों का शिक्षा पर है। हमारे समाज में जो शराब पर है उसके बारे में है कि जागरूक करना, को सब चीज़ नहीं करना चाहिए, शिक्षा जरूरी है, स्वरोजगार पर हम लोग प्रेरित करना चाहते हैं, और इसके संगठन इसमें अग्रसर है और करेगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।